हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का यूवी सैनिक की एक नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मारुति की तरफ से आने वाली एस्प्रेसो VXI ऑप्शनल वेरिएंट है ये। तो सबसे पहले इस गाड़ी की से शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसी आपको की देखने को मिलती है जो आपको स्विफ्ट वगैरह में मिलती है, VXI वेरिएंट में और ब्रेजा में भी। और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फंक्शन की, तो इसमें आपको लॉक अनलॉक के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आगे गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसा आपको एक ग्रे कलर देखने में मिलता है और नीचे आपको ग्राउंड क्लीयरेंस काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। और इसमें आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे फोग लैंप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, तो कुछ ऐसी दिखती है आपकी साइड से एस्प्रेसो। और एक और चीज, जो गाड़ी के ORVM है वो आपको बॉडी कलर नहीं मिलते, और जो ग्रैब हैंडल्स है वो आपको ब्लैक कलर के ही देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में। टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है 165/70R 14 इंच टायर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। और जो इंडिकेटर है वो इसके आपको फेंडर पे देखने को मिलते हैं। काफी टॉल बॉय डिजाइन कह सकते हैं हम इस गाड़ी का, काफी ऊंची ऊंची फील होती है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी आपको पीछे से फील होती है। पीछे इसमें आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं और हेलोजन आपको लाइट देखने को मिलेगी इस गाड़ी में, जो इसकी टेल लाइट है। और इसका बूट देख लेते हैं हम एक बार, तो इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, चाबी से ही आपको खोलना पड़ता है। तो ऐसा कुछ आपको बूट देखने को मिलता है इस गाड़ी में, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ ऐसा आपको फैब्रिक मिलेगा, कोई यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलती। अब गाड़ी के अंदर से बात करें इसकी, तो ये क्या कुछ ऑफर कर देती है आपको। तो सबसे पहले इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है ये। यहाँ पे आपको कोई पावर विंडो के स्विचेस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको 1 लीटर बोतल रखने की जगह और थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा हर जगह, और जो प्लास्टिक क्वालिटी है कुछ ऐसी मिलेगी आपको, एवरेज प्लास्टिक क्वालिटी मिलेगी। अब गाड़ी के हम सीट्स की बात करें ड्राइवर साइड, तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती, ये सिर्फ आप पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी के हम डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा आपको फील होता है, आपको ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा हर जगह, और यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी आपको काफी हार्ड देखने को मिलती है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे आपको लाइट के स्विच मिल जाएंगे और इस तरफ आपको वाइपर के स्विच देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से आप गाड़ी के लाइट की इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको कोई डेड पेडल नहीं मिलेगा। और हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के सेंटर कंसोल के बारे में, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीड शो होगी, यहाँ पे आप गाड़ी के सेट कर सकते हैं एवरेज रेंज क्या दे रही है गाड़ी, ट्रिप ए बी। तो इसमें आपको सिर्फ एक बटन मिलता है, यहीं से आपको सब टॉगल करना पड़ता है। और जो फ्यूल का मीटर है वो भी इसमें आपको डिजिटली शो करता है, और जो भी वार्निंग होगी आपकी सीट बेल्ट की और हैंड ब्रेक की वो यहाँ पे शो कर देगा, आपको डिजिटली दिखाएगा जो आपकी लाइव स्पीड है गाड़ी की। और AC वेंट्स कुछ ऐसे मिलेंगे आपको यहाँ पे, इस तरफ कुछ ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है, आप यहाँ फोन वगैरह अपना रख सकते हैं। नीचे की तरफ कुछ ग्लोव बॉक्स मिलेगा आपको, डिसेंट साइज चाहिए। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दो कप होल्डर मिलते हैं और यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा आपको। और मैनुअल AC इसमें देखने को मिलता है, वही स्विफ्ट में जो आता है आपका, सेम यूनिट आपको इसमें भी देखने को मिलती है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं हम, तो इसमें आपको ओक्स और पेन ड्राइव सपोर्ट करता है ये, आप देख सकते हैं FM भी इसमें चल जाता है, ब्लूटूथ सपोर्ट कर देता है ये आपका, और इसमें आपको ये सब देखने को मिलता है। आपको एक छोटी सी ऐसी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो आप जैसी गाड़ी में बैठोगे तो गाड़ी की विजिबिलिटी आपको काफी अच्छी फील होती है। और इसमें आपको सिर्फ एक नोजल मिलेगी वाइपर के लिए, आप देख सकते हैं बोनेट मुझे कितने अच्छे से विजिबल है, तो बोनेट विजिबल होता है गाड़ी का पूरा चलाते हुए। और फ्रंट सीट की बात करें तो आपका एवरेज थाई सपोर्ट मिलेगा, और जो साइड बॉल स्ट्रिंग है वो भी आपको एवरेज मिलेगी, और आपको फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं फ्रंट के और रियर के भी। अब गाड़ी के पीछे चल के स्पेस और देख लेते हैं गाड़ी कैसा ऑफर करती है। और उससे पहले पावर विंडो की बात करें तो यहाँ पे आपको स्विच मिलेंगे इस गाड़ी के, यहाँ से आपको कंट्रोल करनी है। अब गाड़ी के पीछे से स्पेस और देख लेते हैं गाड़ी कैसा हमें प्रोवाइड कर देती है। तो ये मैं गाड़ी के पीछे आ गया, मेरी हाइट अराउंड 5'11", तो आप देख सकते हैं मुझे कितना अच्छा स्पेस मिल रहा है इस गाड़ी के साइज के बावजूद।
इस गाड़ी के साइज के हिसाब से मुझे काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल रहा है। ये देखो आप कितना नी रूम है और एवरेज है अंडर थाई सपोर्ट। और सीट्स की बात करें तो वो आपको ज्यादा वाइड देखने को नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे दो एडल्ट बैठा सकते हो और बीच में एक छोटा बच्चा ही बैठ पाएगा। और बात करें गाड़ी के रियर हेडरेस्ट की तो वो भी आपको फिक्स देखने को मिलते हैं। और पीछे भी आपको यहाँ हर जगह हार्ड प्लास्टिक मिलेगा और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कोई पावर विंडो देखने को नहीं मिलती, आपको यहाँ पे सिंपल ही मिलती है विंडोज। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा प्लास्टिक क्वालिटी आपको एवरेज देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कैसी प्लास्टिक क्वालिटी है इस गाड़ी में। हालांकि काफी टॉल बॉय डिजाइन है तो इसके कारण हेडरूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। और इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसमें आपको मारुति की तरफ से आने वाला 1 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो ये कुछ ऑफर करती है आपको मारुति की तरफ से आने वाली मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और यूवी सैनी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।